सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक यार, ठहर जाओ ना यार, एक मिनट, एक मैं जा रहा हूँ। एक घंटे से ज्यादा लिफ्ट में बंद कर, नीचे करें। एक हफ्ते में लिफ्ट में, एक घंटे में लिफ्ट में बंद होकर जो हमने सफोकेशन, जो हमने एक घंटे की सफोकेशन एक लिफ्ट में महसूस की है, 25 करोड़ आवाम 16 महीने से ये सफोकेशन देख रहे हैं। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते थे, आज वो भी कोशिश कर ली, हम मरने से बच गए, वगरना आपके सामने जो हशर था। लेकिन ये गलत फहमी में है कि इस तरह से वकला के ये अज़्म को मार देंगे। मैं भले मर भी जाता तो भी ये काला कोट जो है जिंदा रहता। ये आईन की बालादस्ती, ये कानून की हुक्मरानी, ये पाकिस्तान की अजमत, ये जमहूर का हक, ये हमेशा वकला ने ही इसका अलम उठाया है। आज भी हमें किसी फर्द वाहिद से सरोकार नहीं है, हमें मुल्क की अजमत चाहिए, हमें आईन की बहाली चाहिए, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें अदलिया को आज़ाद देखना है और आज़ाद फैसले करें अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाकर, किसी शख्स के नीचे न झुकें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। ये छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह खशो खाक की तरह बहते हुए देखे हैं और इंशाल्लाह हम वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। जान रहा है या ये वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज पेश हुए, ये थ्रो उठ रहे थे और आपने देखा है सब लोगों ने कि ये हर तारीख पे आता रहे। आज की जो एडजर्मेंट थी वो एक बदनीयत पर मबनी थी। अच्छा गौसा, ये कहा जाता है कि जो मुख्तसर मुद्दत की सजा होती है 2 साल या 3 साल, वो बगैर नोटिस के भी सस्पेंड हो जाती है जी, मगर दूसरी सूरत में हम देख रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कैप्टन सफदर जो हैं वो 70 दिन तक जेल में रहे और उनकी सजा की मुअत्तली की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं की गई। तो आप उस अमल को कैसे देखते हैं? वो दो मुख्तलिफ चीज़ें थी। जहाँ तक सफदर और इनका ताल्लुक था, सफदर जेल में पहले से गया हुआ था, मियाँ साहब बाहर थे, वो आए नहीं थे, वो अपीलें उन्होंने फिक्स नहीं करवाई थी। इनसे पूछो, आपके सामने एक दरख्वास्त ये रख ले कि हमने दरख्वास्त कर दी थी कि हमारा केस सुनो और नहीं सुना, और अगर वाकई दरख्वास्त के बावजूद उसका केस नहीं सुना गया वो भी गलत है। लेकिन न उन्होंने दरख्वास्त दी और मियाँ साहब बाहर थे और ये इधर थे, इसलिए उन्होंने लगवाया नहीं था। अगर नहीं लगाया था और नहीं हुआ तो वो भी होना चाहिए। अच्छा, आपके दौर में जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसले किए वो दुरुस्त थे? सर देखो, आमिर फारूक साहब बड़े सारे फैसले किए, अच्छे फैसले बड़े किए हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं, उसमें हमारा कोई नहीं। मैं सिर्फ अपने केस के हद तक कह रहा हूँ कि आज की जो एडजर्मेंट हुई है, जो वकील को मैं एट्रीब्यूट करता हूँ, जो वकील साहब नहीं आ रहे उसके पास इतना बड़ा ज़र्ब मौज है। ये वकील साहब आपने हर मरतबा देखा है, ये थ्रू आउट इस केस के साथ इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का क्या मुफाद हो सकता है? देखे, कोई मुफाद नहीं हो सकता, मुफाद नहीं हो सकता आमिर फारूक साहब का। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी जज का मुफाद है, वो डीबी की जजमेंट है, हमें उसकी इज्जत है। लेकिन हम ये कहते हैं, आपने जब दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को देखना है तो आपने ये मलहूज हाथिर रखना है कि अगर केस एडजर्न हो जाए, अक्यूज जेल में ना हो ये अलग बात है, लेकिन जब अक्यूज जेल में हो और केस एडजर्न हो जाए तो लिबर्टी इन्वॉल्व होती है, नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह इकामात के बावजूद हाई कोर्ट ने कल भी फैसला नहीं किया, आज भी एडजर्न कर दिया, तो आप समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि हाई कोर्ट आज ही फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जब हाई कोर्ट फैसला करे तो फिर हम सुनेंगे, हमें उम्मीद इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, वो रखा हुआ था, उम्मीद यही कर रहे थे हम सारे कि फैसला हो जाएगा। हमें अभी भी दरख्वास्त है कि जल्दी, नहीं सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी कोई नहीं।